मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के एक होटल में भाकियू टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेश सिंह संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। तभी अचानक कहीं से सिरसखेड़ा गांव में खनन का काम कर रहे खनन कारोबारी आयुष और उसके साथी पहुंच गए। खनन कारोबारी ने जैसे ही किसान नेता को वहां बैठे देखा तो खनन कारोबारी ने अपना आपा खोते हुए किसान नेता से गाली गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया। किसान नेता पर हमला होते देख संगठन से जुड़े वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने किसान नेता को खनन कारोबारी आयुष से बड़ी मुश्किल से बचाकर उन्हें होटल से निकालते हुए उन्हें मुंडा पांडे थाने पहुंचाया। जब किसान नेता पर हुए हमले की जानकारी संगठन से जुड़े लोगों को मिली तो संगठन से जुड़े अनेक कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए, जिसके बाद किसान नेता धर्मेश सिंह ने अपनी जान का खतरा बताते हुए एक प्रार्थना पत्र देकर खनन कारोबारी आयुष और उसके साथियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है और कहा कि अगर थाना पुलिस इस खनन कारोबारी पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत थाने पर धरना प्रदर्शन कर थाने पर ही बैठ जाएगी। देखिए आज सुबह मौलागढ़ जो पंडित जी का धावा है वहाँ हम संगठन के लोग बैठे थे। देखिए हमारे जिलाध्यक्ष जी का निर्देश है कि गांव गांव जाकर के और हमारा जो संगठन का तुम्हारे की चल रहा है सदस्यता अभियान, तो हम उसके परपज में बैठे थे। उधर के हमारे जो युवा के तहसील अध्यक्ष थे और मेन बॉडी के तहसील अध्यक्ष मैं और बहुत सारे साथी हमारे 10-15 लोग हम बैठे थे कि आज इधर गांव से हमें चलना है। तभी कल एक प्रकरण हुआ था, कल हमने अवैध खनन चल रहा है यहाँ बहुत बड़े पैमाने में पॉपलाइन के माध्यम से बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा परमिशन किसी खेत की और उठा किसी खेत में रहे हैं, 10-10 फीट गहराई से मिट्टी उठा रहे हैं। कल किसानों की जो सिरसखेड़ा गांव है उसके हमारे संगठन के तहसील उपाध्यक्ष ने हमें लगातार वो विगत एक महीने से बता रहे थे और यहाँ भी सबको बताया लेकिन किसी ने रोका। हम फिर वहाँ पहुँचे, पूरी सड़क ख़राब कर दी इंटरलॉकिंग की और तरह धूल है और जो जानवरों का चारा है जो रोड के किनारे है वो सारा चारा उन्होंने तुम्हारी धूल चढ़ गई है उस पर चारा भी नहीं खा रहे हैं, बड़ा दिक्कत। तो हम वहाँ गए थे, मैंने कि आप जो है लीगल तरीके से उठाओ। वहाँ तहसील से लेखपाल भी आए, उन्होंने नापा बोली ये गलत कर रहे हैं लीगल। हमने तुम्हारी खनन जो जिला खनन अधिकारी है उनको DM साहब को और आपके CO साहब को और इंस्पेक्टर साहब को पर्सनली अवगत कराया तो बोले ठीक है हम विधिवत कानूनी कार्रवाई करेंगे। आखिर वहाँ बैठे थे तभी ये पेपर में भी छपा कल, तो उससे बौखला गई खनन माफिया आयुष और एक व्यक्ति और उसके साथ में 20-22 लोग जो थे बाहर के थे वो हमारे क्षेत्र के नहीं थे, वो हम वहाँ आए और उन्होंने कहा हमारी तुमने गाली गलौज करते हुए हम पे जानलेवा हमला किया, हाथ में तमंचे भी थे उनके, वो हमें जान से मारना चाहते थे। अब आप थाने में आए हैं, अब तो हम थाने में आए हैं, हमने अपनी प्रार्थना पत्र SO महोदय को दे रहे हैं, वो जाँच कर उचित कार्रवाई करें खनन माफियाओं के द्वारा। यदि वो कार्रवाई नहीं करते हमें डर है कहीं वो